हेलो फ्रेंड्स, रंगोली रसोई में आज की रेसिपी है स्टफ्ड ब्रेड सैंडविच ऑन तवा। आप इस वीडियो को देखें, एंजॉय करें, पसंद आए तो इसे लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल का बटन है, उसे ज़रूर प्रेस करें। आइए बनाते हैं स्टफ्ड ब्रेड सैंडविच। इसे बनाने के लिए सामग्रियाँ ली हैं, ब्रेड स्लाइसेस, बटर, मेयोनीज, काला नमक, काली मिर्च पाउडर, टमाटो सॉस, टमाटो बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, प्याज बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, दो उबले हुए आलू मीडियम साइज के। एक बॉल में आलू को डालेंगे, फोर्क की मदद से इसे हम बारीक बारीक तोड़ लेंगे। दोनों आलूओं को हम प्रॉपर तरीके से बारीक बारीक तोड़ लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, काली मिर्च पाउडर, काला नमक स्वादानुसार। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। चार ब्रेड स्लाइसेस लेंगे, दो ब्रेड स्लाइसेस पे लगाएंगे मेयोनीज। अच्छी तरह से फैला के मेयोनीज लगा देंगे। इसी तरह से दूसरे ब्रेड पे भी मेयोनीज लगाएंगे। अब हम तैयार मिश्रण को ब्रेड पे अच्छी तरह से फैलाएंगे। ज़्यादा मात्रा में भी नहीं डालेंगे और बहुत कम मात्रा में भी नहीं डालेंगे। इतना डालेंगे कि हर बाइट में इसका टेस्ट आए। अब दो ब्रेड स्लाइसेस पे लगाएंगे हम टमाटो सॉस। अच्छी तरह से स्पून की मदद से फैलाते हुए टमाटो सॉस पूरे ब्रेड पे लगाएंगे। दूसरे ब्रेड पे भी इसी तरह से टमाटो सॉस लगाएंगे। अब ब्रेड को एक दूसरे के ऊपर रख के दोनों ब्रेड को प्रेस कर देंगे। एक तवे को गरम करेंगे, उस पे लगाएंगे बटर। स्टफ्ड ब्रेड को सिकने के लिए तवे पे डालेंगे। थोड़ी थोड़ी देर पर ब्रेड को घुमाएंगे। इस तरह से घुमा घुमा के ब्रेड को सेकेंगे। ऊपर के सरफेस पे बटर लगाएंगे। दूसरे ब्रेड पे भी इसी तरह से दोनों ब्रेड पे अच्छी तरह से बटर लगाएंगे। अब इसे पलट देंगे। दूसरे सरफेस को भी अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। इस तरह से ब्रेड तैयार है। ब्रेड को ट्रायंगल में इस तरह से काटेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं सैंडविच तैयार है। आप भी इसे घर पे बनाएं
और इसे गरम गरम सर्व करें, खाएं, एंजॉय करें। थैंक यू।